सौथी पहला बात करीशुं राज्यना केटलाक विस्तारोमां हळवा वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आगाही करी छे त्यारे तापी नर्मदा सूरत छोटाउदेपुरमां वरसाद पड़ी शके छे। दाहोद महिसागर पंचमहालमां पण वरसादनी आगाही छे। गुजरात पर सिस्टम सक्रिय थता वरसाद आवी रह्यो छे। राज्यमां हाल तापमानमां मोटो वधारो नहीं थाय परंतु अत्यारे खेडूतोने कमोसमी वरसादने कारणे नुकसान थई शके छे। आगे आने वाले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो गुजरात में मुख्य तौर पे जो है अगले 24 घंटों के लिए जो है गुजरात रीजन में जो है कुछ हिस्सों में जो है लाइट रेन होने की संभावना है। बाकी सौराष्ट्र का रीजन जो है वो ड्राई रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें अगले 24 घंटे के बाद, उसके बाद गुजरात रीजन एज वेल एज सौराष्ट्र और कच्छ रीजन सभी जो है ड्राई बने रहेंगे। साथ ही हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान अपने नो लार्ज चेंज में बना रहेगा। कोस्टल एरियाज में जो है हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से जो है प्रिवेल करेंगी, जिनकी स्पीड 15 से 20 नॉट्स के बीच रहेगी। लैंड एरिया में बात करें तो हवाएं पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। साथ ही हम बात करें कि अगले 24 घंटों में जो लाइट रेन की संभावना दर्शाई गई है उसमें दक्षिणी गुजरात के जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जिसमें मुख्य तौर पर सूरत, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, दाहोद, पंचमहल तथा महीसागर जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अगले 24 घंटों में जो है छिटपुट बारिश होने की संभावना है।